अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम नेक्स्ट मेजरमेंट डिस्कस करेंगे डेट इज़ मैस। मैस इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन समथिंग। मैस किसी भी चीज़ में प्रेजेंट मैटर की मिकदार होती है। द मैस ऑफ समथिंग कैन बी फाउंड बाय यूजिंग वेइंग स्केल और अ बैलेंस। हम किसी भी चीज़ का मैस वेइंग स्केल के थ्रू और बैलेंस के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्राम एंड किलोग्राम आर द यूनिट्स ऑफ मैस। ग्राम और किलोग्राम किसके यूनिट है? मैस के। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन हाउ हॉट समथिंग इज। टेम्परेचर का मतलब है कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म है। द टेम्परेचर ऑफ समथिंग कैन बी फाउंड बाय यूजिंग अ थर्मामीटर। हम थर्मामीटर के थ्रू किसी भी चीज़ का टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस समटाइम ऑल्सो कॉल्ड डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेल्सियस जिसे बाज़ुकात डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं आर द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। ये किसके यूनिट है? टेम्परेचर के। ऑन द सेल्सियस स्केल द नंबर वर चूजन सो डैट वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल्स पर नंबर इस तरह से चूज़ किए जाते हैं कि वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर और ये फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज़ द एब्सोल्यूट ज़ीरो। सबसे कम टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो है जिसे -273 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। सो एब्सोल्यूट ज़ीरो किसके इक्वल है? -273 डिग्री सेल्सियस। For some scientific work, it is convenient to use a temperature scale starting at the absolute zero. So, साइंटिस्ट के काम को आसान बनाने के लिए बाज़ुकात वो टेम्परेचर का जो स्केल यूज़ करते हैं वो एब्सोल्यूट ज़ीरो से स्टार्ट होता है। दिस स्केल इज़ कॉल्ड केल्विन स्केल। ये स्केल जो कि एब्सोल्यूट ज़ीरो से स्टार्ट होता है इसे हम केल्विन स्केल भी कहते हैं। एंड हैज़ डिग्री विच आर द सेम साइज एज दोज ऑन द सेल्सियस स्केल। केल्विन स्केल पर जो डिग्री होती है वो उसी साइज की होती है जितनी सेल्सियस स्केल पर प्रेजेंट होती है। थस इस तरह से 273 केल्विन इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में 273 किसके इक्वल होगा? सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस के। एंड 373 केल्विन इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। द फॉरेनहाइट स्केल हैज़ मच स्मॉलर डिग्री देन द केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। टेम्परेचर मेजर करने की एक और स्केल भी है डेट इज़ फॉरेनहाइट स्केल। फॉरेनहाइट स्केल छोटी होती है केल्विन स्केल से और डिग्री सेल्सियस से। ऑन दिस स्केल वाटर फ्रीज एट 32 डिग्री फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट स्केल में वाटर 32 डिग्री फॉरेनहाइट पर फ्रीज होता है और ये बॉयल होता है 212 डिग्री फॉरेनहाइट पर। डिड यू नो, क्या आप जानते हो? द स्टैंडर्ड यूनिट यूज्ड फॉर मेजरमेंट आर कॉल्ड SI यूनिट। हम पैमाइश के लिए जो एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करते हैं उसे SI यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल SI यूनिट फॉर लेंथ इज मीटर। जैसा कि लेंथ का SI यूनिट क्या है? मीटर। द SI यूनिट फॉर मैस इज किलोग्राम और मैस का SI यूनिट क्या है? किलोग्राम। एंड द SI यूनिट फॉर टाइम इज द सेकेंड और टाइम का SI यूनिट क्या है? सेकेंड। सो जितनी भी हमने मेजरमेंट पढ़ी हैं उनके डिफरेंट यूनिट्स हैं लेकिन उन सारे यूनिट्स में से एक यूनिट स्टैंडर्ड है और उस स्टैंडर्ड यूनिट को क्या कहते हैं? SI यूनिट। नेक्स्ट मेजरमेंट इज टाइम। टाइम कैन बी मेजर्ड विद अ स्टॉप क्लॉक और स्टॉप वॉच। टाइम को हम स्टॉप क्लॉक और स्टॉप वॉच से पैमाइश कर सकते हैं। सेकेंड एंड मिनट्स आर द यूनिट्स ऑफ टाइम। सेकेंड और मिनट किसके यूनिट हैं? टाइम के। कॉमनली यूज्ड इन साइंस, ये आमतौर पर साइंस में यूज़ होते हैं। ये स्टॉप वॉच है और ये स्टॉप क्लॉक है। टाइम के यूनिट क्या है? आवर, मिनट एंड सेकेंड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।